हेलो हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक मेडिको। सो जैसा कि जो है प्रीवियस वीडियो जो है हम लोगों ने लेक्चर 1 देखा था कैपेसिटर का, है ना, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस कैपेसिटर के कैसे सॉल्व होते हैं, उनका क्या फार्मूला होता है ना। साथ में बेसिक इंट्रोडक्शन भी हम लोगों ने कैपेसिटर का देखा था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कैपेसिटर का, वो ये कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को कैसे प्रोसीड करते हैं, उसमें क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से हम लोग आगे उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम लोग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में देखेंगे, है ना। उसके पहले जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, है ना, वो लोग ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। पहला ये कि अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, है ना, क्रैक मेडिको। दूसरा, एक साथ अगर सभी को वीडियोस नहीं एक्सेस हो पा रही है तो इस यूआरएल को डायरेक्टली इंटर करिए, www.youtube.com/c/crackmedico। इस यूआरएल पे जैसे ही आप लोग जाएंगे उसमें प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाइएगा, प्लेलिस्ट ऑप्शन में आपको कैपेसिटर के भी टॉपिक्स का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, और साथ में इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी किया हुआ है, तो वो वीडियो लेक्चर का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। थर्ड इन्फॉर्मेशन ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, है ना। और अगर आपको कुछ सजेशंस लगते हैं कि हाँ वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर क्या होता है। सो पहले हम लोग देखते हैं कि चार्जिंग और कैपेसिटर के बारे में, है ना। पहले हम लोग प्रोसीड करेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को लेके, ठीक है। तो चार्जिंग और कैपेसिटर में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनिशियली नो चार्ज। तो वो आपको ऐसे ही पता चल रहा है भाई, कैपेसिटर चार्ज हो, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर मतलब क्या, कैपेसिटर में इनिशियली कोई चार्ज नहीं होगा, उसके बाद ही वो धीरे धीरे चार्ज हो रहा होगा, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ डायग्राम है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका कुछ बैटरी है इस तरीके से, ठीक। ये स्विच है आपका, ठीक है, और ये आपका ईएमएफ। ये रेजिस्टेंस आर है, ये कैपेसिटेंस सी, ठीक है। कहा क्या गया है कि इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। जब इनिशियली कोई चार्ज नहीं है तो कैपेसिटर के कारण क्या होगा, इस कैपेसिटर के कारण यहाँ पे ईएमएफ है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये चार्ज होना स्टार्ट होगा। जब धीरे धीरे चार्ज होगा तो चार्ज होते, मान लीजिए इस पर चार्ज क्यू हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इस पर प्लस चार्ज हो गया, इस प्लेट में माइनस चार्ज हो गया। जब प्लस माइनस चार्ज हो गया तो इस पर क्या होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक। तो इसमें क्या करिए, आप किरचॉफ लॉ लगा दीजिए, है ना। किरचॉफ लॉ से क्या होगा, यहाँ पे आपका प्लस ई हो जाएगा माइनस का क्यू बाई सी, एंड माइनस का करंट के डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो ये क्या होगा, ये आई इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो माइनस का आई आर इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब आई को क्या ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ये चार्ज क्या होगा आपका, वेरी करोगे, यानी कि चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा कि ये चार्ज इस पर बढ़ता जा रहा होगा, बढ़ता जा रहा, तो कुछ कुछ टाइम पे दोनों ही इक्वल अपोजिट हो जाएंगे। तो इस आई को क्या ले सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी। सो यहाँ से जो है आपको आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, इंटू आर सी इज इक्वल टू सी ई माइनस क्यू, ठीक है। ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, आई इज इक्वल टू हमने लिखा है डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। अब क्या करिए, इस क्यू वाले टर्म्स को एक साइड ले आइए, तो डी क्यू अपॉन सी ई माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/RC dt, ठीक है। इसको 0 से t इंटीग्रेट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है 0 से q। सो यहाँ से आपको सॉल्व होकर आ जाएगा q इज इक्वल टू सी ई 1 - e की पावर -t/RC, ठीक। या फिर इसको आप ये भी ले सकते हैं कि q इज इक्वल टू q स्टडी 1 - e की पावर -t/tau, ठीक। जहाँ पे टाउ आपका क्या है, टाउ है आपका 1/RC, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ
टाउ इज इक्वल टू होता है टाइम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मोस्टली क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है यूनिट डायमेंशन में। तो एक तो ये याद रखना है कि क्यू जो होता है आपका क्यू स्टडी इन ब्रैकेट में 1 - e^-t अपॉन टाउ यानी आर सी होता है, ठीक है। जब आप क्या करेंगे यहाँ से इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को अगर वन मान लीजिए, सो फ्रॉम इक्वेशन वन से आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है क्यू अपॉन सी। तो आप देखिए इसको जो है आप इसी तरीके से लिखा नहीं दीजिए, इसको थोड़ा सा मैं मिटा के यहाँ पे फिर से आगे लिखता हूँ, है ना। आपको पता चलेगा कि q इज इक्वल टू है सी ई 1 - e^-t अपॉन आर सी। आप क्या करिए c अपॉन e को अगर आप कर देंगे तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आपका हो जाएगा q अपॉन c इज इक्वल टू e^-e^-t अपॉन आर सी, ठीक है। और q अपॉन c होता है क्या, आपका पोटेंशियल होता है, यानी कि आपका v इज इक्वल टू कितना आ गया e की इंटू ब्रैकेट में 1 - e^-t अपॉन आर सी, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो गया पोटेंशियल का। करंट का फार्मूला जो हो गया, करंट का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू हो जाएगा e अपॉन r e^-t अपॉन आर सी। तो ये तीनों फार्मूले आपके हो गए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के जो आपको याद रखने। उसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट आता है आपका ग्राफ। तो ग्राफ जो है वो याद रखने हैं आपको, ये मान लीजिए टी और चार्ज के बीच में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको यहाँ से दिख रहा है ये एक्सपोनेंशियल इनक्रीज हो रहा है, इस तरीके से आपका ग्राफ होगा। और ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका क्या होगा, सी होगा। दूसरा ग्राफ देखते हैं, दूसरे ग्राफ क्या है, टी और पोटेंशियल के बीच में, तो ये आपकी इक्वेशन है। तो ये ग्राफ भी वैसा ही आएगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, सी ई थी। थर्ड ग्राफ देखते हैं करंट के फॉर्म में, तो टाइम एंड करंट के फॉर्म में क्या होगा, इस तरीके से आपका ये आ रहा होगा और ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ई बाई आर, ठीक है। तो ये तीन ग्राफ थे आपको, ये याद रखना। उसके अलावा आपको इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है ना, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर मान लीजिए आपका ये टी आर सी के इक्वल हो जाए, ठीक है, इफ टी इज इक्वल टू आर सी हो जाएगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा आपका 63% ऑफ क्यू इंटू स्टडी स्टेट, ठीक है। और करंट जो हो जाएगा आपका, करंट आपका हो जाएगा 37% ऑफ आई इंटू इनिशियल, और पोटेंशियल भी आपका 63% ऑफ वी इंटू स्टडी कह सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी। तो ये इन्फॉर्मेशन्स थी आपकी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में। अब देखते हैं हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। दूसरा क्या देखते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या है कि चार्ज पहले से होगा कुछ, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होके जीरो हो रहा होगा। यानी इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली यहाँ पे चार्ज होगा कुछ, मान लीजिए स्मॉल क्यू है, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपकी बैटरी नहीं है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम होगा आपका, ये आपका यहाँ पे स्विच लगा होगा, लेकिन यहाँ पे आपकी कोई भी बैटरी नहीं, ये आपका कैपेसिटेंस सी है, मान लीजिए इस पर चार्ज पहले से ही क्यू है, ये आपका स्विच है, ये आपका रेजिस्टेंस आर है। अब क्या हुआ, इसके कारण धीरे धीरे जो है चार्ज जो है वो डिस्चार्ज होने लगेगा। तो इस पर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज हो गया, इस पर माइनस क्यू चार्ज हो गया, ठीक है, प्लस माइनस उस करंट आई जा रही। तो इसके कारण जो है आप यहाँ पे जब लिखेंगे इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू बाई सी माइनस का आई आर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से क्यू बाई सी इज इक्वल टू आ जाएगा आई आर। अब यहाँ पे आई को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, क्यों, क्योंकि चार्ज जो है आपका कम हो रहा है, यानी क्यू अपॉन सी हो जाएगा माइनस का डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू
क्यू नॉट ई की पावर माइनस का टी अपॉन आर सी, है ना, सबके लिए सेम ही क्वेश्चन है, जैसे वी इज इक्वल टू वी नॉट वन माइनस टी अपॉन आर सी एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस का टी अपॉन आर सी, ठीक है, या इसको जो है आप आई नॉट को वी नॉट अपॉन आर भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये तीनों फार्मूले जो है आपके डिस्चार्जिंग आप कैपेसिटर में आएंगे। अगर इसमें हम ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ जो है वो सबके लिए सेम आएगा, है ना, यहाँ पे मैं चार्ज के फॉर्म में ग्राफ बनाया दे रहा हूँ, तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से कुछ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर में फार्मूले याद रखने हैं, जो डायरेक्ट फार्मूले बेस ही क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन करके इस पर देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कहा गया है ऑन क्लोजिंग ऑफ स्विच टोटल हीट प्रोड्यूस कॉमा हीट प्रोड्यूस बाय 2 ओम एंड 1 ओम क्या होगा, और फिगर आपको इस तरीके से गिवन है, ठीक। तो ये आपका कितना है, 1 ओम है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका 3 फेरेड है, और इसके बीच का पोटेंशियल जो है वो 10 वोल्ट है, और ये आपका स्विच है। तो देखिए पहले ही आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पे बैटरी जो है नहीं लगी हुई है, है ना, बैटरी नॉट प्रेजेंट। जब बैटरी नहीं प्रेजेंट मतलब ये क्वेश्चन किसका है, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का, मीन्स डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक। अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है तो यहाँ पे पूछा गया है टोटल हीट प्रोड्यूस, तो आपको पता है अगर एनर्जी निकालेंगे कैपेसिटर की तो क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, और सी कितना है 3, यानी कि हाफ गुड़े 3 गुड़े 100, ये से कट जाएगा, यानी कि यू कैप कितना आ जाएगा आपका, यू कैप आ जाएगा आपका 150 जूल, ठीक। तो यही जो जूल होगी वही टोटल हीट प्रोड्यूस होगी, यानी कि टोटल हीट जो है वो हो जाएगा अगर यू इंटरनल जब कैपेसिटर इज इक्वल टू 150 जूल, तो टोटल तो ये आ गया। आप पूछा गया 1 और 2 ओम के बीच में टोटल हीट इतना होगा, तो आपको पता है एच इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, यानी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक। तो फॉर हीट फॉर 1 ओम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए अगर आप निकालें सॉरी ये आपका 1 ओम गिवन है और ये आपका 2 ओम है, तो 1 ओम के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी कि 3 into 150, यानी कितना आ जाएगा आपका 50 जूल, और हीट फॉर 2 ओम के लिए कितना हो जाएगा 2 upon 3 into 150, डेट इज इक्वल टू 100 जूल, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, तो ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे कुछ शॉर्टेस्ट ट्रिक जो हैं, प्लेट्स जो होती है सिंपल प्लेट्स गिवन होती हैं, उन प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनका सिंपलेस्ट शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। तो इस वीडियो में जो है अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें आप लोग, ओके, थैंक यू ऑल।